सदर नून लीग शहबाज शरीफ कराची के मसाइल पर आपदीदा हो गए। शहबाज शरीफ ने NA 249 के अहदेदारों और कारकुनों से खिताब किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि ये बाबाए कौम हजरत कायद आजम का शहर है, कमाऊ शहर के साथ सोतेली माँ का सलूक हो रहा है। ये काल का शहर है, क्या शहर है कि जिसने अपनी गोद में हर कुछ मनाया। सब हम आपके साथ। मैं कहना ही चाहता हूं कि इस शहर की खुशहाली के बगैर पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कराची के मसाइल पर बात करते हुए आपदीदा हो गए। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बाबाए कौम हजरत कायद आजम का शहर है, कमाऊ शहर के साथ सोतेली माँ का सलूक हो रहा है। शहबाज शरीफ ने NA 249 के अहदेदारों और कारकुनों से खिताब किया। उनका ये कहना था कि ये बाबाए कौम हजरत कायद आजम का शहर है, कमाऊ शहर के साथ सोतेली माँ का सलूक हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे मरने से पहले मुझे इसकी खिदमत का मौका मिले। और शहबाज शरीफ का इस हवाले से मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। सर के दिल से कहना चाहता हूँ कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरे मरने से पहले कराची शहर बदल का शहर है, क्या शहर है कि जिसने अपनी गोद में हर कुछ मनाया। सब हम आपके साथ। मैं कहना ही चाहता हूं कि इस शहर की खुशहाली के बगैर पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा, कराची के मसाइल का तस्करा करते हुए काफ़ी जज्बाती दिखाई दिए शहबाज शरीफ, क्या कहना था उनका मजीद? जी देखिए, बिल्कुल, NA 249 के अहदेदारान और जिम्मेदारान से जो है वो शहबाज शरीफ ने आज मुलाकात की है। अगर हम इस हल्के के हवाले से बात करें तो 2018 के अंदर शहबाज शरीफ ने इसी हल्के से कराची में इलेक्शन लड़ा था, जिसमें फैसल वाडा की जो है वो जीत हुई थी और शहबाज शरीफ की हार हुई थी। लेकिन शहबाज शरीफ ने आज अपने तमाम अहदेदारान और जिम्मेदारान को तलब किया NA 249 के और कहा कि NA 249 आज भी उनका हल्का है। जब उन्होंने कराची के मसाइल के ऊपर बात की तो वो बात करते थे इंतहाई जज्बाती और फिर आपदीदा होते हुए दिखाई दिए। उनका ये कहना था कि कराची इंतहाई बुरे दौर से गुजर रहा है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कराची मसाइल का गढ़ बन चुका है। उन्होंने इस चीज की ख्वाहिश का भी इजहार करते हुए दिखाई दिए कि वो अपने मरने से पहले कराची शहर के हालात जो है वो बेहतर होते हुए देखना चाहते हैं। उनका ये भी कहना था अगर दोबारा हुकूमत मिली तो कराची के हालात जो है वो तब्दील कर देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अब्बास आपका।